अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक इस न्यू व्लॉग में। कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं हूं तुफैल ज़क्का और आप देख रहे हैं तुफैल ज़क्का यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों से यूट्यूब पर मेरी वीडियो नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं बहुत ही मसरूफ़ था। आज जो है हम जा रहे हैं सिंध की मशहूर एक जो जगह है मोहनजोदड़ो, और हम निकल रहे हैं, जा रहे हैं मोहनजोदड़ो की तरफ। हम आए थे अपने गांव लाड़काना, तो हमने सोचा कि यहाँ से भी हम होकर जाएं। और ये है मोहनजोदड़ो, ये उनका सारा लुक है। ये सारी उनके जगहें बोर्ड वगैरह वहाँ पर थे, सारा उन पर लिखा हुआ था। ये इनके दो दो शहर थे, एक दू जो दिख रहा है ये उनका दूसरा शहर है। ये सारा सिंध का मशहूर मोहनजोदड़ो के नाम से कहलाता है जो लाड़काना की साइड है। हम गए थे वहाँ पर, बहुत रश भी था, हमने वहाँ की जो है म्यूज़ियम भी घूमी और बहुत ही हमने एंजॉय किया। हमारे साथ और भी दोस्त थे, हमारे प्यारे दोस्त जिनो देरो के अरसलान भाई हमारे साथ थे, मेरे सहेब भाई साथ थे और कुछ हमारे यहाँ के दोस्त थे। उसके बाद हम थोड़ा बहुत निकले मोहनजोदड़ो से। ये उनका सारा मोहनजोदड़ो का नक्शा है। जाहिर सी बात है उसके बाद हमें भूख भी लगी, हमने उसके बाद खाना खाया, फिर हम निकल गए घड़ियावाल जहाँ पर हम गए थे। चारों तरफ दरख्तों पे, और जो हम अंदर कमरे में गए थे वहाँ पर ये जो घड़ियाली लटके हुए थे, पता नहीं ये इनका क्या मकसद है, हमें तो मालूम नहीं था। ये शिरक ही करते होंगे, ये आते हैं वहाँ पर अपना घड़ियाल जो है लटका कर चले जाते हैं कि या अल्लाह ये मेरी, ये जो यहाँ पर अंदर कब्र थी बोलते हैं कि वो मेरी मुराद पूरी करेगा। ये तो मतलब शिरक में ही आ जाता है। तो हम तो ऐसे ही एक आपको दिखाने के लिए गए थे। ये हमारे साथ अरसलान भाई है, हमें दिल तो बहुत चाह रहा था यहाँ से लेकर जाएं, पर क्या करें भाई, लोग बैठे हुए थे क्या सोचेंगे। उसके बाद फाइनली फिर भूख लगी थी, फिर जिंदो देरो की मशहूर चीज़ पोटैटो हमने खाए। तो पोटैटो ये खाने के बाद दूसरा दिन हमारा शुरू हुआ, हम सो गए थे और उसके बाद हम गए अपने आबाई गाँव बंगुल देरो, वहाँ पर जो है हमने सूप पिया। और ये अरसलान भाई सूप पी रहे हैं और बता रहे हैं कि बहुत टेस्टी बना है। उसके बाद ये हमारे जो दोस्त चले थे वो भी थे और मेरे भाई भी थे। फिर उसके बाद हम निकले, हमने कहा कि थोड़ा जाएं अमरूद के बाग पर। हम वहाँ पर गए अपने दोस्तों के साथ, भाई भी साथ था और जो है अरसलान भाई भी साथ था। अमरूद के बाग पर गए, वहाँ पर भी हमारे कुछ दोस्त थे। फाइनली इसके बाद हम अमरूद के बाग पर पहुंच गए और हमने जो है अमरूद उठाए और चखे, और बहुत ही लजीज थे। वहाँ पर तोड़ने का, तोड़ के खाने का अपना ही मज़ा है, बहुत ही मज़ा आया। और वहाँ पर पैकिंग भी हो रही थी बहुत, मतलब यहाँ पर अमरूद उन्होंने नीचे ज़मीन पर ही रखे हुए थे, जो भी आ रहा था वो सदका भी निकाल रहे थे, किसी को दो दिए किसी को तीन, ऐसे ही दे रहे थे और अच्छी तरह से पैकिंग कर रहे थे। और ये पैकिंग करने के बाद बाहर भेजते हैं, कराची हुआ, उसके बाद ये कोयटा हुआ, ये बाहर बाहर तक, बहुत बाहर तक सप्लाई करते हैं। धूप भी बहुत थी। फिर वापस लौटे अमरूद के बाग से, फिर आए, फिर घर पर खाना खाया दोस्तों के साथ। उसके बाद हम कनकोट में गए थे, हमारे जो दोस्त थे एसएचओ अब्दुल कादिर बलोच थे हमारे साथ, और एसआई मुनीर भंगवार थे जो हमारे साथ थे, उन्होंने बहुत हमारी खिदमत की।
तो फाइनली उसके बाद घर आ गए और रात का खाना खाया दोस्तों के साथ, बहुत इंजॉय किया और उनके घर गए, उनसे मिले। वहाँ पर बैठे हुए थे हमारे साथ वो भी आसिफ भाई थे, ये भी एस आए हैं वहाँ के हमारे दोस्त थे, और ये मुनीर साहब बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद 3-4 दिन वीडियो बनाया था, बहुत थके भी हुए थे। थकने के बाद हमने एक चाय मंगवाई, फिर चाय पी दोस्तों के साथ, ऐसी कड़क चाय बनी थी। फिर चाय पीने के बाद फाइनली जो है बहुत अंदर से सुकून मिला और उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हो गए। ये मोहनजोदड़ो की जो कदीम आसारात थी वो यहाँ पर इन्होंने कांच में अंदर रख दी हैं।